हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिट, मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने दांतों का पीलापन कैसे दूर कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना हो। बहुत छोटा सा नुस्खा दोस्तों, आप अपने घर पर दवाई बनाकर, अपने घर पर टूथपेस्ट बनाकर आप इसके दांतों के पीलेपन को हटा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने क्या बताया है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है उसको ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सको फ्री में आयुर्वेदिक नुस्खे बनाकर अपने घर पर। हाँ, तो दोस्तों हम बात करने वाले दांतों के पीलेपन की। दांतों का पीलापन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। कितना भी सुंदर व्यक्ति, महिला पुरुष कोई भी हो, अगर उसके दांतों में पीलापन है तो वो खुलकर हंस भी नहीं सकता, उसको शर्म महसूस होगी और उसकी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। इसलिए दोस्तों हम दांतों का पीलापन ऐसे नहीं है कि हमने पीलापन ही हटाना, हमने उनको ठीक होने से भी हमने ठीक करना है। हमको उसको उसके अंदर कोई भी बीमारी एंटर नहीं करने देनी है क्योंकि हमारी बॉडी का एक अहम अंग है। इसमें दोस्तों हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम नुस्खे की बात करते हैं तो वो दो चीजें दोस्तों कौन सी, एक नंबर एक है जो बेकिंग सोडा हम जिसको बोलते हैं, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है ऐसा बेकिंग सोडा, और नंबर दो नींबू का रस, नींबू या फिर नींबू का रस आप ले सकते हो। इनके दवाई बनाने की विधि बिल्कुल आसान है, आप ध्यान से सुनना। एक कोई भी बर्तन ले लीजिए, कांच का, स्टील का कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें एक चम्मच आप बेकिंग सोडा रख लीजिए, उसके अंदर आप आधा नींबू काट कर उसका रस आप उसमें मिला लीजिए। दोनों को मिलाकर आप एक पेस्ट बना लीजिए दोस्तों। ऐसा पेस्ट बन जाएगा जैसे कोलगेट होती है, सफेद रंग का पेस्ट आपके जो बर्तन होता है उसके अंदर बन जाएगा। उसमें आपने करना क्या है, उस पेस्ट को आपने थोड़ा सा उंगली पर उठाना है और अपने दांतों पर हल्के से मालिश करनी है 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद आपने थोड़ा सा जोर लगाकर मालिश करनी है। आप इसको 5 मिनट तक करिए अपने दांतों पर, उस पेस्ट की 5 मिनट तक मालिश करिए। 2 मिनट का काम है दोस्तों, आप 2 मिनट में अपने इस नुस्खे को तैयार कर सकते हो और अपने दांतों को चमका सकते हो। ये काम कैसे करता है दोस्तों, जो नींबू का रस होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो है एसिडिक होती है, और जो बेकिंग सोडा होता है उसकी जो प्रकृति होती है एल्कलाइन होती है। तो दोनों के आपस में मिलने के कारण ये पॉजिटिव हो जाते हैं और ये एक नेचुरल टूथपेस्ट बन जाती है जो हमारे कोई भी कितना भी पीलापन हो, कालापन हो दांतों का, उसको दूर कर देती है। आप 1 या 2 हफ्ते में बिल्कुल चमकदार, दूध जैसे चमकदार दांत अपने पा सकते हो और अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हो। बेकिंग सोडा आपको किसी भी कॉस्मेटिक या दुकान पर या फिर आप जहां से रसोई घर का सामान लाते हो वहां पर मिल जाएगा। और नींबू का रस तो आजकल गर्मियों का टाइम हो दोस्तों, हर कहीं पर नींबू मिल जाएंगे, आप कहीं पर भी ले सकते हो। तो ये छोटा सा नुस्खा था दोस्तों। एक दो भाई ने मेरे से पूछा था कि आप ऐसा बताइए कि हमारे दांत बहुत पीले हैं या फिर हमारे दांतों के अंदर काली काली लाइन है, जो उसको ठीक कर सके, उसको साफ कर सके। तो दोस्तों बहुत छोटा सा नुस्खा था, आप इस नुस्खे का अगर घर पे यूज करते हो तो आप अपनी दांतों को साफ कर सकते हो। आपने इसका लगातार सेवन करना है, हफ्ते में 3 बार करना है, लगातार नहीं करना है, जैसे कि हर रोज नहीं करना है, हफ्ते में 3 बार आपने इसका सेवन करना है, लगाना है पेस्ट बनाकर। महीने तक आप इसको करोगे तो आपके दांत इतने चमकदार हो जाएंगे जैसा दूध होता है, जैसा सफेद कागज होता है, और आपकी सुंदरता को 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन उस पर ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी आपको पैसा नहीं देना होता, और आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां हम देते रहते हैं वीडियो के द्वारा। आप अपने घर पर बैठकर अपनी हर बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ लिख दिया, आप वहां से समझ सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत है तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स कीजिए, मैं उसी टाइप की वीडियो आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसका भी भला हो सके। तो दोस्तों अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।